खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज खबरें अब तक में बात होगी अयोध्या के बाद कन्नौज रेप केस ने बढ़ाई सपा की मुसीबत। वहीं बात बांग्लादेश की परिस्थितियों पर भी होगी, साथ ही यूपी में तिरंगा यात्रा को कैसे सीएम योगी ने दिखाई झंडी ये भी बताएंगे। साथ ही साथ आज कौन सी खबरें रही चर्चा का विषय वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। जेल से बाहर आएंगे आसाराम, पहली बार मिली 7 दिन की पेरोल। नाबालिग से ज्यादती के मामले में ताउम्र कारावास की सजा काट रहे आसाराम को पहली बार पेरोल दी गई है। इस अवधि के दौरान वो महाराष्ट्र के माधोबाग में इलाज करवाएंगे। पेरोल के दौरान वो पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर विवाद जारी। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जेल में है, ऐसे में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराएगा बड़ा सवाल है। इस पर सियासी विवाद जारी है। इन सब की शुरुआत पीएम केजरीवाल की एक चिट्ठी से हुई, जिसमें उन्होंने खुद की गैर मौजूदगी में दिल्ली आप मंत्री आतिशी को स्वतंत्रता दिवस समारोह में झंडा फहराने की सिफारिश की थी। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारी से साफ इनकार कर दिया है। कोलकाता मर्डर केस में हाई कोर्ट ने चिकित्सकों से हड़ताल समाप्त करने की किया अपील। कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया कि महिला चिकित्सक मामले में शुरुआत में हत्या का मुकदमा क्यों नहीं किया गया दर्ज, वहीं इसकी जांच अप्राकृतिक मौत और एंगल से क्यों नहीं की गई। बीजेपी की अहम बैठक, राष्ट्रीय पदाधिकारी करेंगे शिरकत। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक 17 अगस्त को होने जा रही है। इस दौरान पार्टी की सदस्यता अभियान को अंतिम रूप दिया जाएगा। मंगलवार को कमजोर पड़ा शेयर बाजार, सेंसेक्स 692 अंक टूटकर बंद हुआ, निफ्टी 24,150 से फिसला। घरेलू शेयर बाजार हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुए। मंगलवार को सेंसेक्स तकरीबन 692 अंकों की गिरावट के साथ 78,956 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 208 अंक फिसल कर 24,139 अंकों पर बंद हुआ। हेडलाइंस के बाद आपका बहुत स्वागत है, आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आज की वायरल वीडियो जरा आपको दिखा देते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला टीचर अपने नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स को एक अलग अंदाज में ही हिंदी की मात्राएं सिखाती नजर आ रही है। ये वीडियो बिहार के बांका जिले के एक सरकारी स्कूल का है। पहले तो देखिए ये वीडियो। देखा जाए तो कुछ शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका इतना यूनिक और दिलचस्प होता है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बोरिंग से बोरिंग विषय भी मज़ेदार लगने लगता है। हिंदी की मात्राएं सीखना भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है। ऐसे में अगर कोई इस टॉपिक को बचपन में ही आसानी से स्टूडेंट के दिमाग में बैठा दे तो ये बेहद आसान लगने लगता है। क्लिप में देखा जा सकता है कि बच्चे भी टीचर के एफर्ट को ख़राब नहीं जाने देते हैं और अपनी मैम की सभी एक्टिविटी को खुद भी करने की
कोशिश करते हैं। टीचर और बच्चों के बीच का बॉन्ड दिखाने वाला ये वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है। फिलहाल इसी के साथ रुक करते हैं हमारी खास रिपोर्ट्स की ओर। एक तरफ यूपी के उपचुनाव तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार उनकी पार्टी के नेताओं पर ऐसे संगीन आरोप लग रहे हैं जिससे सीधे तौर पर अखिलेश यादव का दामन भी गंदा होता नजर आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लगातार बलात्कार जैसे अपराधों में घिरते सपा नेताओं की और उनकी वजह से बिगड़ती सपा की राजनीति की। अभी अयोध्या का मामला खत्म भी नहीं हो पाया था कि कन्नौज के मामले ने एक बार फिर अखिलेश यादव के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। एक तरफ जहां अयोध्या कांड में नाबालिग से हुए रेप बलात्कार में अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे, वहीं कन्नौज वाले मामले में तो सपा के नेता जी का वीडियो ही सामने आया है जिससे सारी पोल पट्टी खुल गई है। वहीं नाबालिगों के साथ बलात्कार जैसे मुद्दे पर एक बार फिर सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कैसे अयोध्या और कन्नौज दोनों जगह घिर गए सपा नेताओं की करतूत से अखिलेश यादव और डिंपल यादव। उत्तर प्रदेश के कन्नौज पुलिस ने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार रात नवाब सिंह यादव के डिग्री कॉलेज से उसे गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक तिरवा क्षेत्र निवासी पीड़िता अपनी बुआ के साथ नौकरी मांगने के लिए नवाब सिंह यादव के चंदन सिंह डिग्री कॉलेज गई थी। बुआ का आरोप है कि नवाब सिंह ने मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलवाने की बात कही थी। बुआ का कहना है कि वो थोड़ी देर के लिए मौके से हटी तो नवाब सिंह ने भतीजी से रेप का प्रयास किया। जैसे ही वो पहुंची तो इसका विरोध किया और 112 डायल कर पुलिस बुलाई, जिसके बाद देर रात मौके पर पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही सोमवार सुबह कोतवाली में समर्थकों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद पुलिस ने सभी को समझा कर वहां से हटाया। दिलचस्प बात तो ये भी है कि सपा ने नवाब सिंह से ही पल्ला झाड़ लिया। कहा जा रहा है कि नवाब सिंह यादव अब सपा के नेता नहीं है, पहले कभी हुआ करते थे। सपा के कन्नौज जिला अध्यक्ष कलीम खान ने कहा कि वो किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं है। वो करीब 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था और वो पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं है। वहीं अखिलेश और डिंपल यादव सोशल मीडिया एक्स पर ट्रोल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं। एक्स यूजर्स अपराधियों से समाजवादी के रिश्तों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि 2012 में डिंपल निर्विरोध सांसद चुनी गई थी, तब स्थानीय स्तर पर नवाब सिंह की इस निर्विरोध जीत में अहम भूमिका रही थी। उस वक्त नवाब डिंपल यादव का राइट हैंड माने जाते थे। इतना ही नहीं, 1999 में राजनीति सीख रहे अखिलेश यादव ने स्थानीय स्तर पर सक्रियता रखने और जमीन पर जनता से जुड़ाव रखने के लिए युवाओं की टीम बनाई थी। लोहियाबाई ने जिलाध्यक्ष होने के नाते नवाब सिंह यादव उसमें अहम भूमिका में आ गए। धीरे धीरे वो अखिलेश के करीबी नेताओं में आ गए। 2006 में वो कन्नौज सदर सीट से ब्लॉक प्रमुख चुने गए। हालांकि अब बीजेपी लगातार ये सवाल पूछ रही है, क्या अब भी अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे? अयोध्या रेप केस में तो उन्होंने ऐसा ही किया था। देखा जाए तो अखिलेश यादव जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तो कन्नौज के प्रशासनिक और सियासी गलियारों में नवाब को मिनी सीएम कहा जाता था। नवाब के घर पर कन्नौज में दरबार लगते थे और हर तरह के मामलों को वहीं पर सुलझाया जाता था। मगर 2022 में नवाब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने उन्हें टिकट नहीं दी। नवाब नाराज होकर इस चुनाव में घर बैठ गए। 2024 में अखिलेश के कन्नौज से लड़ने पर वे फिर सक्रिय हुए। रणनीति से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। अखिलेश जीते तो उनके अच्छे दिन आने की भी बात कही जा रही थी, लेकिन अब नवाब पर जिस तरह से छेड़छाड़ का आरोप लगा है उससे अखिलेश भी बैकफुट पर आ गए हैं। हालांकि अखिलेश ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिलहाल इसी के साथ वक्त है अगली रिपोर्ट का। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन देखा गया। शेख हसीना के इस्तीफा देते ही कट्टरपंथियों ने इस प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया और ये कब हिंदू विरोधी प्रदर्शन बन गया पता ही नहीं चला। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुकानों, मकानों और मंदिरों पर हमला किया गया। 5 अगस्त से शुरू हुई इस हिंसा में सैकड़ों हिंदुओं ने अपनी जान गंवा दी। वहीं शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां अंतरिम सरकार का गठन हुआ और नोबेल पुरस्कार विजेता
मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार पूरे देश में सामान्य स्थिति वापस लौटाने की कोशिश कर रही है। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस मंगलवार को ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचकर हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं इस दौरान छात्रों ने मोहम्मद यूनुस के सामने 8 सूत्रीय मांगे रखी। देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामलों के बीच ढाका से बड़ी खबर आई है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस मंगलवार को ढाका स्थित ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे हैं। इस दौरान बांग्लादेश सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अंतरिम सरकार के प्राइम गोल मानवाधिकार को बहाल करना है और सभी के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को तय करना है। उन्होंने ढाका में ढाकेश्वर नेशनल टेम्पल में विजिट के बाद कहा कि हमें मानवाधिकार और फ्रीडम ऑफ स्पीच लागू करना है और ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। बता दें कि मोहम्मद यूनुस ने ऐसे समय पर हिंदू मंदिर का दौरा किया जब बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर में कहा कि देश को संकट की स्थिति से बाहर निकालने के लिए लोगों को बांटने की बजाय उन्हें एकजुट करना चाहिए। इस तरह के चुनौतीपूर्ण समय में सभी को धैर्य के साथ रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जो एक परिवार की तरह हो और परिवार के भीतर भेदभाव और झगड़े का सवाल ही नहीं उठता। हम सभी बांग्लादेश के लोग हैं, हम सभी को ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम यहाँ शांति से रह सकें। जाहिर है 1971 में पाकिस्तान के अस्तित्व से अलग होकर नए राष्ट्र के रूप में उभरे बांग्लादेश का इतिहास ही विद्रोह और रक्तपात से पटा पड़ा है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहाँ हिंसा और बढ़ गई है, जिसका खामियाजा वहाँ के रहने वाले हिंदुओं को उठाना पड़ रहा है। एक एक करके हिंदुओं को बेरहमी से मारा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। इस समय पूरा बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। हर तरफ मौत का मंजर नजर आ रहा है। देश में हुए हिंसा के निशा बता रहे हैं कि बांग्लादेश के छात्रों में आरक्षण को लेकर कितना आक्रोश है। ऐसे में अंतरिम सरकार को सबसे पहले इस हिंसा की आग को शांत करने की जरूरत है और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग से भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा को रवाना किया। यात्रा निकालने वाले उत्साही कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी और भरोसा जताया कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी घरों पर तिरंगा लहराया जाएगा। उनके साथ इस मौके पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह समेत भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं यात्रा रवाना करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि 2 वर्ष पहले आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़कर पंच प्रण का संकल्प लिया था। हर घर तिरंगा के माध्यम से भारत के आन बान शान का प्रतीक तिरंगा लहराने का काम किया था। मुझे प्रसन्नता है कि 2022-23 में उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा लहराने का कीर्तिमान स्थापित किया था। सीएम योगी ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारत का दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति बनने का मतलब 140 करोड़ भारतवासियों के चेहरे पर खुशहाली लाना, 140 की खुशहाली के लिए 140 करोड़ भारतवासियों को भारत की समृद्धि में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के इस अभियान का हिस्सा बनना होगा। जाहिर है भाजपा सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, जिसे लेकर हर प्रदेश में यह अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने अपने घरों में तिरंगा जरूर लगाएं और इस अभियान के भागीदार बने, जिसके तहत सीएम योगी ने भी
लखनऊ में इस अभियान को तिरंगा यात्रा निकालते हुए आगे बढ़ाया। तो ये थी खबरें अब तक की खास खबरें, लेकिन इसके अलावा आज कौन सी और बड़ी खबरें रही चर्चा का विषय वो भी बता देते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले शुक्रवार को डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या की केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच का आदेश दिया। वहीं हिंडनबर्ग के आरोपों पर बढ़ते विवाद के बीच कांग्रेस ने मंगलवार को घोषणा की कि वो 22 अगस्त को सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच के इस्तीफे और अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन करेगी। इसके अलावा बांग्लादेश के आंदोलनकारी हिंदू और अल्पसंख्यक छात्रों ने मंगलवार को अंतरिम प्रशासक मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। ये मुलाकात ढाकेश्वरी मंदिर में हुई। इस दौरान उन 8 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की गई जिसके लिए उन्होंने अल्टीमेटम दिया था। यूनुस ने उनकी मांगों पर गौर करने और अल्पसंख्यकों पर हमले रोकने के लिए जरूरी उपायों का भरोसा दिया है। वहीं वक्फ विधेयक को लेकर संसद में काफी खींचतान देखने को मिली है। संसद के दोनों सदनों में इस विधेयक को लेकर काफी हंगामा मचा और इसके बाद सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने इस विधेयक को जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया। अब खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल इस समिति के प्रमुख होंगे। अधिकारियों का कहना है कि जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में इस विधेयक की जांच होगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, जाते जाते आपसे एक बात जरूर करेंगे। 9 अगस्त को संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान हो गया है। संसद को सूचित किया गया कि ये सत्र अपनी उत्पादकता के लिहाज से बेहतरीन सत्र रहा। जहां लोकसभा की उत्पादकता 136% रही, वहीं राज्यसभा की उत्पादकता 118% रही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ऐसा सालों बाद हुआ है जब किसी सत्र का एक भी दिन पूरी तरह खराब नहीं गया। तथ्यात्मक रूप से भले ही मंत्री सही हों, लेकिन ये सत्र संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं को निभाने में असफल रहा है। बीते शुक्रवार का दिन संसदीय इतिहास में बेहतर संवाद के लिए नहीं याद किया जाएगा। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल पीठ के द्वारा किया गया है, उसकी आलोचना जरूरी है। 9 अगस्त को सभापति धनखड़ के सामने सिर्फ खड़गे को ही अपमानित नहीं होना पड़ा, बल्कि इस जद में वरिष्ठ सांसद जया बच्चन भी आ गई। जया बच्चन ने सिर्फ पीठ द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा और इसके टोन पर सवाल उठाया तो उपसभापति बिल्कुल बिफर गए। उनके शब्द उनके काबू में नहीं रहे। ना उन्होंने महिला का ख्याल किया, ना ही सांसद की वरिष्ठता का और ना ही अपने पद का। उनकी इस गतिविधि से देश की साख और संसदीय प्रणाली को धक्का पहुंचा है। बड़े आश्चर्य का विषय है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी जिस पर है वह संसदीय कार्यवाही में आपा खो रहे हैं। ऐसे में बस इतना ही कहना होगा कि इस पर विचार करने की जरूरत है। फिलहाल जाते जाते पेश है आपके लिए आज का सुविचार। अंतर मन में संघर्ष हो और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही जीवन का श्रेष्ठ अभिनव कहलाता है।